हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट प्रैक्टिकल क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था कि फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है किसी टैक्स में, नंबर में, डेट एंड टाइम में। आज हम उसी टॉपिक को नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है चार्ट। देखिए, एक चार्ट सिंपल सा टॉपिक है जो हमने अपने स्प्रेडशीट में भी ऑलरेडी किया था, एमएस वर्ड वाली ऑफिस वाली में। तो आज ओपन ऑफिस में भी हम उसी से रिलेटेड टॉपिक्स करते हैं। देखिए, जो चार्ट होता है, चार्ट हम कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हम डालते हैं और किस तरीके से हम अलग अलग चार्ट के टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्टली, चार्ट बनाने के लिए आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल होना जरूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पर सेल्समैन एंड सेल्स, ये दो कॉलम लिए हैं। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि ओपन ऑफिस हमें फैसिलिटी देता है इसमें टाइटल, ईयर, सब टाइटल, ये सब चीज़ें डालने की। तो आपको करना क्या है, फर्स्टली ये जो चार्ट है, इस जो डेटा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए, या तो इस चार्ट वाले आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज इंसर्ट मेनू में जाइए और यहाँ से चार्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, जैसे ही आपने चार्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, चार्ट विजार्ड। और इस विजार्ड के अंदर अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्टली तो आप देख लीजिए कि जो चार्ट है, चार्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, अलग अलग टाइप के स्टेप्स है हमारे पास। चार्ट की टाइप, ये सभी टाइप है भी। आप कॉलम चार्ट लेंगे, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो ये एक डिजाइन कॉलम चार्ट में है, ये एक आपका स्टैक टाइप का मिलेगा, ये आपको इस टाइप का मिलेगा। क्लियर? अलग अलग टाइप दी हुई है, अलग अलग डिजाइन दिए हुए। और कॉलम चार्ट आपका क्या होता है, जो आपके डेटा को कॉलम वाइज चार्ट में रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये बार चार्ट है आपका, बार चार्ट जो आपके चार्ट को एज अ बार रिप्रेजेंट करता है। पाई चार्ट, ये पता ही होगा आपको, जो पाई में आपके चार्ट को कन्वर्ट करके दिखाएगा, दैट मींस टू से जो सर्कल में आपके चार्ट के पॉइंट्स को डिनोट करेगा। एरिया चार्ट इस टाइप का होता है, ये आपका लाइन चार्ट है। देखिए, चार्ट का मीनिंग सेम ही है, बस इसके अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप्स हैं। आप यहाँ से जो भी टाइप लेंगे वो उसी टाइप में आपके चार्ट को, आपके डेटा को चेंज कर देगा। ये देखिए, ये बबल टाइप का है, ये नेट टाइप का है, ये स्ट्रोक टाइप का है, ये कॉलम एंड लाइन टाइप है आपकी चार्ट की। देखिए, फर्स्टली हम कॉलम का और सिंपल चार्ट ही करते हैं, उसके बाद फिर आप इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से जो भी टाइप लेना चाहते हैं वो टाइप ले लीजिए, ये वाली 3D लुक लेंगे, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपके 3D लुक है। एक ये लुक है आपका, ये किस टाइप में है, इस टाइप में है। और यहाँ पे भी देखो, अलग अलग लुक है आपके, ये आपका कौन टाइप का रहेगा, कौन टाइप भी 3D में आएगा, ये पैरामिड टाइप का आ जाएगा, ये आपका सिलेंडर टाइप का आ जाएगा, ये आपका बॉक्स टाइप का आएगा। कोई भी ले लीजिए आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे। अब हम चार्ट को क्रिएट कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया, पहले अपना डेटा बनाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए एंड चार्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए, चार्ट टाइप, और चार्ट टाइप के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, डेटा रेंज। यहां से आपको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ आइए, आप साइड कर लीजिए इसको थोड़ा सा। ये वाला जो आइकन आपको दिखा रखा है, सिलेक्ट द डेटा रेंज, इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या करेगा, अगर बाय चांस ऐसा हो सकता है कि आपने अपने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया या फिर आपने कम डेटा सिलेक्ट किया है, तो यहाँ आप उसको सिलेक्ट करके अगेन रेंज दे सकते हैं आपने चार्ट बनाने की। ये देखिए, यहाँ से हमने इस वाले को ऐसे सिलेक्ट किया, तो ये रेंज आ गई आपकी यहाँ पर। अब ये देखिए, जो डेटा है वो आपको कैसे लेना है, कॉलम में लेना है या रो में लेना है। फर्स्ट रो आपको एज ए लेबल सेट करना है या नहीं करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम एज ए लेबल सेट करना है, रो वाला नहीं करना। क्लियर? आप ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होती है, आप करना चाहें तो इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वाले ऑप्शन को एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा सीरीज। इसमें क्या होता है, इसमें आपका दे रखा है कि भी जो आपने बनाया है वो आपका कॉलम सी डेटा सीरीज आपने ली है, और ये है आपकी वाई वैल्यू। वाई वैल्यू का मीनिंग ये हुआ कि जो आपकी रेंज थी वो आपकी वाई वैल्यू के अंदर है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर मान लो आपने दो या तीन रेंज दे रखी है अलग अलग, तो या तो आप यहीं से उसको दोबारा से सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। हमने फिलहाल एक ही दी है, इसलिए हम ओनली एक को यहीं से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका चार्ट एलिमेंट। भी जो चार्ट आप बना रहे हैं, आप उसका टाइटल क्या देना चाहते हैं। मान लो
आप यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल, एक्स एक्सिस का नेम, वाई एक्सिस का नेम, ये सब डाल देंगे। मान लो हमने टाइटल में तो क्या डालना है, सेल्स परफॉर्मेंस, सब टाइटल क्या है इसका, सब टाइटल मान लो हमने डाल दिया कि हम यहाँ पर 2009 और 2010 की सीरीज को शो करना चाहते हैं, और एक्स एक्सिस पे हमें क्या शो करना है, सेल्समैन का डाटा, देखो ये वाला सेल्समैन या सेल्स, आपकी मर्जी है, जो भी आप यहाँ डालेंगे वही एक्सिस पे वही वाई एक्सिस पे आपको शो करवाएगा। मान लो यहाँ हमने डाल दिया सेल्समैन और यहाँ हमने डाल दिया क्या उसकी सेल, जेड एक्सिस हमने लिया ही नहीं है, आप अगर लेते तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता। अब जो डिस्प्ले है वो आपको कहाँ करवानी है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में या बॉटम में, मान लो हमें राइट में लेनी है, आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट डालिए और उसके बाद जस्ट आपको क्या क्लिक करना है, ओनली फिनिश बटन पे। तो ये देखिए फिनिश बटन पर क्लिक करते ही ये आपका चार्ट बन गया। अब यहाँ देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है आपकी, ये कौन सी एक्सिस है आपकी बताइए, ये आपकी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया था सेल्समैन, यहाँ आपने क्या ली थी उसकी सेल। अब इसका कैसे पता चलेगा, आपने कॉलम तो एक ही ले रखा है ना, ये देखिए यहाँ पे ओनली सी कॉलम, मतलब ओनली हमें सेल ही तो दिखानी थी। अगर मान लो आप यहाँ पे एक कॉलम वो ले लेते सेल की बजाय इधर साइड में, जैसे कि ये हमारा चार्ट है, हम इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, ये देखिए इस चार्ट को कम्प्लीटली फर्स्टली आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से आप इसको रिसाइज करना चाहें या फिर आप इसको यहाँ से चार्ट को मूव करना चाहें तो इस टाइप से आप इसको यहाँ से यहाँ पर मूव करवा सकते हैं। अब ये देखिए जो चार्ट बना है, सॉरी, ये है इसकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब आपने एक्स एक्सिस पे लिया था सेल्समैन, ये चीज वहीं पे ही है। अब इसका कैसे पता चलेगा, देखिए सेल्समैन की जो एक्सिस थी वो कौन था, सबसे पहले नाम था अमित, अमित की कितनी सेल थी 45,000। अब यहाँ देखिए आप, ये है आपकी 47,000 सेल और ये है 50, 45 है ना, इन दोनों के मिड में होनी चाहिए। तो यहाँ ये वाला आपका एरिया, यहाँ कॉलम बन गया अमित की सेल दिखा दी यहाँ पर 45,000, राहुल की अमित से कम है 43, तो मेजर किया 40 से अबव और 45 से कम, ये देखिए यहाँ है आपकी राहुल की सेल। उसके बाद सुनील की सेल कितनी थी 46, 45 से अबव, ये 45 यहाँ था, इससे अबव यहाँ पे 46 हो गई। इस टाइप से आप अपने चार्ट को किसी भी डेटा के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आप इस चार्ट के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहिए तो आपको ओनली एक बार चार्ट बनाना है, फिर आप उसमें कैसे भी चेंजिंग कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए, आप इस चार्ट को फर्स्टली सिलेक्ट कीजिए और आप जाइए फिर फॉर्मेट ऑप्शन में, यहाँ से आपको क्या करना है, एक्सिस चेंज करनी है, एक्सिस आ गई, ये देखिए एक्स एक्सिस चेंज करनी है या वाई, आप क्लिक करके देखिए आ गया यहाँ पर, ये इसकी पोजीशनिंग है, आपको पोजीशन चेंज करनी है, लाइंस चेंज करनी है। मान लो हमें इसका क्या है, ये वाली लाइन चाहिए, कलर इसका कैसा होना चाहिए, ये वाला चाहिए, आपने लेवल भी हटाना है इसका, उसको चेंज करना है, नंबरिंग चेंज करनी है, कोई भी चेंजिंग जो फॉर्मेटिंग हमने पहले की थी वो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली अगेन जाइए फॉर्मेट में, मान लो हमें क्या करना है, इसका टाइटल चेंज करना है, टाइटल पे क्लिक कीजिए, मेन टाइटल चेंज करना है या सब टाइटल चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, क्लियर, आप यहाँ पे कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए चार्ट का एरिया या चार्ट के टाइप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैसे, क्लिक कीजिए, मान लो हमें यहाँ पे इसको एरिया चार्ट में कन्वर्ट करना है और वो भी ऐसा, इस पर क्लिक करके ओके कीजिए, चार्ट चेंज हो गया आपका। फिर से देखिए फॉर्मेट, चार्ट टाइप, कोई भी टाइप ले लीजिए और आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए तो आपका चार्ट उसे टाइप में चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से भी जो आपकी सेल है उस सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम्प्लीटली आपको शो कर दिया। जिससे आप इसके टाइप चेंज करेंगे, एरिया चेंज करना चाहेंगे, एक्सिस, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चेंज करनी है चार्ट की, आप एक बार बना के वो चेंज कर सकते हैं। वन मोर थिंग हियर, देख लीजिए, मान लो ये चार्ट था हमारा, पहले वाला चार्ट ले लेते हैं। अगर मान लो अमित की सेल कम या ज्यादा हो गई बाय चांस, मान लो अमित की सेल 45,000 थी, ये 50,000 हो गई, आपने क्या किया 50,000 और बाहर क्लिक कीजिए, आपको अगेन